तो आज हम बात करेंगे कि क्या अगर कोई पर्सन किसी के घर में घुसता है जबरदस्ती तो उसे कितनी सजा होती है, या उसे कोई सजा होती है, फाइन होता है, क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट इंट्रो। जस्ट अ यंग गन विद द क्विक फ्यूज, आई वाज अपटाइट, वांटा लेट लूज, आई वाज ड्रीमिंग अ बिगर थिंग्स एंड वांटा लीव माय ओल्ड लाइफ बिहाइंड। सोके तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि पिक्चर्स फिल्मों में क्या होता है कि जो हीरो होता है वो विलन के घर में घुस के उसे मारता है और ऐसे ही एंटर हो जाता है ज़बरदस्ती। काफ़ी सारे गाने भी होते हैं, सॉन्ग्स भी होते हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है कि घर में जाके उसे मारते हैं, पीटते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। तो आपको बता दें ये फिल्मी दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट रियलिटी में अगर ऐसा करते हैं कोई तो वो एक क्राइम है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 452, अगर कोई पर्सन किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसता है, उसे धमकाता है, डराता है, उसे उसी के घर में बंदी बना के रखता है, तो उस पर्सन को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, गॉट इट, और फाइन भी। वो जनरली डिपेंड करता है कि क्या केस के फैक्ट्स हैं, सरकमस्टेंस हैं, कितना हरासमेंट हुआ है, वो जनरली उस चीज़ पे डिपेंड करता है। कभी भी किसी के घर में आप ऐसे ना घुसें, ज़बरदस्ती तो छोड़िए, आप किसी की मर्जी के बिना भी किसी के घर में ना एंटर कीजिए, बिकॉज मॉरल्स, आपकी नैतिकता ये दिखाते हैं कि हम किसी के घर में बिना पूछे भी नहीं जाते, तो ज़बरदस्ती की तो बात ही दूर, नॉट इट। एंड ये तो हो गई उनके लिए जो ऐसा क्राइम कर सकते हैं। अब उनके लिए जिनके लिए जो ये क्राइम हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाना चाहिए, नॉट इट। क्योंकि अगर वो पर्सन आपके घर में घुस के आपको डरा धमका सकता है तो कल को वो आपका मर्डर भी कर सकता है, नॉट इट, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाना है और अपने कुछ अड़ोस पड़ोस के विटनेसेस को विटनेस बना के केस फाइल कर सकते हो, FIR लिखा सकते हो, नॉट इट। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ।